नमस्कार दोस्तों, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर DAVV इंदौर ने एग्ज़ाम फॉर्म का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें सर्व संबंधितों को सूचित किया जाता है कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर की PG HRD नियमित ATKT द्वितीय सेमेस्टर एवं BJ नियमित ATKT द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा माह जून 2022 में होना प्रस्तावित है। समस्त परीक्षार्थी अपना आवेदन MP ऑनलाइन के माध्यम से करेंगे और इसमें जो डेट है तो एग्ज़ाम आप फॉर्म भर सकते हैं और बिना विलंब शुल्क फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी 31 मई 2022 तक और 100 रुपये लेट फीस के साथ आप 3 जून 2022 तक फॉर्म भर सकते हैं और 750 रुपये लेट फीस के साथ और कुलपति महोदय की विशेष अनुमति से आप 7 जून 2022 तक फॉर्म भर सकते हैं और परीक्षा प्रारंभ होने के 5 दिवस पूर्व तक आप फॉर्म भर सकते हैं 1000 रुपये लेट फीस और कुलपति जी की विशेष अनुमति से। अब आइए जान लेते हैं कि फ़ीस क्या होगी। तो BJ एवं PG HRD का जो फीस होगा नामांकन रहित जो है 2070 बिना नामांकन के जो फीस होगी वो है 2070 रुपीज़। और उसके बाद ATKT परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा शुल्क होगी समस्त परीक्षाओं की एक विषय ATKT है तो 565 रुपये और समस्त परीक्षाओं को दो विषय ATKT के लिए 1130 रुपये। तो जो भी स्टूडेंट हैं फॉर्म भर सकते हैं समय रहते, बस इतना ही। आइए देखते हैं नेक्स्ट। जी, ये नोटिफिकेशन है जो स्टूडेंट हैं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में BBA BCA BBA HM BBA HA चतुर्थ एवं षष्ठम सेमेस्टर यानी फोर्थ एंड सिक्स सेमेस्टर नियमित ATKT BHM चतुर्थ और सिक्स सेमेस्टर एवं अष्टम सेमेस्टर यानी फोर्थ सिक्स एंड एट्थ सेमेस्टर नियमित ATKT और PGDCA DF DM द्वितीय सेमेस्टर नियमित ATKT की परीक्षा माह जून 2022 में के द्वितीय सप्ताह में प्रारंभ होना प्रस्तावित है। परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन महाविद्यालय में प्रस्तुत करने की तिथि निम्नानुसार है। तो इसमें बिना विलंब शुल्क के साथ आप फॉर्म भर सकते हैं और छात्र द्वारा महाविद्यालय में परीक्षा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि होगी 2 जून 2022। 2 जून 2022 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 100 रुपये लेट फीस के साथ आप 6 जून 2022 तक फॉर्म जमा कर सकते हैं और उसके बाद भी है 750 रुपये और कुलपति जी की विशेष अनुमति से परीक्षा प्रारंभ होने के 3-5 दिवस पहले आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आप कोशिश करें समय रहते फॉर्म भरें और आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है और इसमें हम बाकी डिटेल्स जो हैं एक बार चेक कर सकते हैं। कुछ कंडीशन इसमें है कि अगर कोई ऐसे छात्र हैं BCA पाठ्यक्रम के ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 7 वर्ष में पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं किया है, ऐसे परीक्षार्थी पाठ्यक्रम की निरंतरता है तो विश्वविद्यालय से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही परीक्षा आवेदन पत्र भर सकेंगे। इस तरह से आप जो चेक कर लीजिए कंडीशन क्या है। फीस जो है इस प्रकार से आप देख सकते हैं, स्नातक स्तर के लिए 1995 है, ATKT के विषय में तो 1068 रुपये है। तो इस तरह से कोर्स में जो भी फीस है वो डिटेल है, तो आप चेक कर सकते हैं और कोशिश करें आप समय रहते जो है फॉर्म भरें। फॉर्म ऑनलाइन भरना है और उसके बाद उसमें प्रिंट आउट लेके बाकी डॉक्यूमेंट लगा के हार्ड कॉपी आपको अपने कॉलेज या डिपार्टमेंट में सबमिट करना है। यह था BBA BCA BBA HM और BBA HA फोर्थ सेमेस्टर सिक्स सेमेस्टर और BHM के फोर्थ सेमेस्टर सिक्स सेमेस्टर और एट्थ सेमेस्टर के स्टूडेंटों के लिए और PGDCA DFDM सेकेंड सेमेस्टर नियमित और ATKT स्टूडेंटों के लिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट।
जी, विश्वविद्यालय जारी सूचना के अनुसार इसमें दिनांक 21 जनवरी 2022 के अनुक्रम में एम कॉम, एमएससी, एमएचएससी, एमए प्रथम सेमेस्टर नियमित असंस्थागत रेगुलर प्राइवेट भूतपूर्व समस्त एटीकेटी, एमए योगा रेगुलर एटीकेटी एवं एमएसडब्ल्यू प्रथम सेमेस्टर नियमित एटीकेटी में जो विद्यार्थी कोविड-19 के संक्रमण अथवा संक्रमण से संबंधित अन्य कारणों से माह फरवरी 2022 में आयोजित परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पाए थे, उनके लिए विश्वविद्यालय द्वारा पृथक से परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। उपरोक्त विद्यार्थी को पुनः परीक्षा फॉर्म MP ऑनलाइन के माध्यम से ऑनलाइन भरना होगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि निम्नानुसार रहेगी। तो जितने भी कोर्स हैं आप देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के, और इन सभी कोर्सों के लिए जो हैं किसी भी कारण से आपने लास्ट टाइम एग्ज़ाम नहीं दे पाया था फरवरी 2022 में कोविड की वजह से या अन्य कोविड की किसी कारण की वजह से, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि जो है 27 मई 2022 से रहेगा और ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि होगी 8 जून 2022 तक। तो जिनका भी एग्ज़ाम नहीं हो पाया था, नहीं दे पाए थे, तो फॉर्म भर सकते हैं। 8 जून 2022 लास्ट डेट रहेगी। कोर्सेज आप ये चेक कर सकते हैं और इसके बाद ध्यान दीजिएगा कि परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि को किसी भी स्थिति में आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है और उसके बाद टाइम टेबल जो है शीघ्र ही जारी किया जाएगा और उसको आप वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए उपयुक्त विद्यार्थी अपने महाविद्यालय से संपर्क करें और पाठ्यक्रम का नाम देख सकते हैं एमए, एमए योगा, एमएसडब्ल्यू, एमएससी, एमएचएससी, एमकॉम, ये सभी सब्जेक्ट के लिए। सेमेस्टर ध्यान रखिएगा फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंटों के लिए है, तो फॉर्म भर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। जी, असंस्थागत विद्यार्थियों के लिए ये प्राइवेट स्टूडेंटों के लिए नोटिफिकेशन है जिसमें कहा गया है कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की सत्र 2021-22 की स्नातक स्तर के प्रथम वर्ष की परीक्षा के स्वाध्यायी विद्यार्थियों का, जो भी स्टूडेंट हैं प्राइवेट के उनके लिए है ये, और 2021-22 स्नातक प्रथम वर्ष यानी अंडर ग्रेजुएट फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए प्रायोगिक कार्य दिनांक 27/5/2022 से 20/6/2022 के मध्य संपन्न कराना सुनिश्चित करें। तो इसके बीच में आपके एग्ज़ाम होंगे। नियमित भूतपूर्व एवं स्वाध्यायी छात्रों का प्रायोगिक कार्य एक साथ संपन्न किया जाना है। तो इसमें जो भी समस्त स्वाध्यायी परीक्षार्थियों यानी जो भी प्राइवेट के स्टूडेंट हैं उनको सूचित किया जाता है कि प्रायोगिक कार्य से पूर्व संबंधित महाविद्यालय में अपना पंजीयन अवश्य कराएं और प्रायोगिक कार्य की निश्चित तिथि एवं समय के संबंध में महाविद्यालय के प्राचार्य, संबंधित विभाग, विषय के विभागाध्यक्षों से संपर्क स्थापित कर निर्धारित तिथि पर प्रायोगिक कार्य में सम्मिलित होवें। ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए है जो प्राइवेट के स्टूडेंट हैं, स्नातक प्रथम वर्ष के, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, यूजी फर्स्ट ईयर के, और महाविद्यालय के प्राचार्य विद्यार्थियों की जानकारी के लिए प्रायोगिक कार्य की तिथि नोटिस आवश्यक। विद्यार्थियों की प्रायोगिक प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, मौखिक परीक्षा आदि जो हैं सभी निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित करेंगे। और इस तरह से तो ध्यान दीजिएगा जो भी प्राइवेट के स्टूडेंट हैं उनका जो प्रैक्टिकल होगा, जो भी उनका प्रायोगिक कार्य है, इंटर्नशिप है, प्रोजेक्ट है, वो सब 27 मई 2022 से 27 मई 2022 से 20 जून 2022 तक होगा। तो अपने प्रैक्टिकल के लिए आप संबंधित महाविद्यालय में कांटेक्ट कर सकते हैं। बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।